नमस्कार। थोड़ी कहानी थोड़ा ज्ञान के इस एपिसोड में मैं प्रशांत नानकर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कई बार हमारे काम में उतना ही रस लेते हैं जितना पैसा या दाम हमें उस काम से मिलता है। कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहाँ काम की गुणवत्ता को उससे मिलने वाली आमदनी के अनुसार कम या ज़्यादा किया जाता है। लेकिन क्या ये उचित है? आइए उसके लिए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए हुए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब वो बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए। और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, लेकिन अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से पूजा पाठ करके बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसके लिए आप अनुमति दीजिए और मैं अब आपका काम मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई और पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले आप मेरा एक आखिरी काम करते जाइए। ये सुनकर कारपेंटर बोला, जी बिल्कुल हुजूर, क्या काम करना है आप बोलिए। वो ठेकेदार बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार करके दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए उसे ज़रूरी पैसे देता है वो कारपेंटर को, और कारपेंटर वो काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। उसने अगले ही दिन घर बनाना शुरू किया, पर ये जानकर कि अभी उसका ये आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। पहले जहाँ वो बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से वो ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में वो घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने जैसा आपने बोला था, मेरा आखिरी घर मैंने तैयार कर लिया है, तो क्या मैं आप ये काम छोड़ के जा सकता हूँ? ठेकेदार बोला, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने छोटे से पुराने घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का मेरे तरफ से आपको इनाम है। आप जाइए और आपके पूरे परिवार के साथ उस घर में रहना शुरू कर दीजिए। ये बोल के वो ठेकेदार उस घर की चाबी उस कारपेंटर के हाथ में थमा देता है। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से एक बढ़कर घर बनाए और कहाँ अपने घर को इतनी घटिया तरीके से मैंने बनाया। काश मैंने यह घर भी बाकी घरों की तरह अच्छा बनाया होता। दोस्तों, हमारा काम ही हमारी पहचान भी बन सकता है और हमारी पहचान बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी अत्युच्च क्षमता के साथ, बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ के साथ पूरा करें, और चाहे वो अपना पहला काम हो या अपना आखिरी काम हो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम फिर मिलते हैं थोड़ी कहानी थोड़ा ज्ञान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।